नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको एम्बे क्वीन में मिक्स वेजिटेबल बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स, बीन्स लीजिए, गाजर लीजिए, मटर लीजिए, शिमला मिर्च लीजिए और पनीर लीजिए, और दो प्याज दो टमाटर का हमने पेस्ट तैयार कर रखे हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट है एक एक चम्मच, और हरी मिर्च है, और थोड़े से क्रीम है। चाहे आप घर में भी जो दूध की मलाई निकाल के आप उसे फेंट के रख सकते हैं। और ये थोड़ी सी हरी धनिया गार्निश के लिए, और तेज पत्ता है, जीरा है, और धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला है, और नमक है, और मिर्च है, और पानी। अब मैं सबसे पहले मैं पैन को ऑन करूंगी, जिसमें मैं वेजिटेबल को 15 मिनट के लिए बॉयल करूंगी। ऐसे आप सब्जियों को गर्म करते हैं तो डालते हैं काफ़ी सारा पानी, इसमें बस इतने सा पानी मैं डालूंगी। ये देखिए, अब इसमें मैं सारी सब्जियों को डाल रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसे मैं 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रहने देती हूँ। और हमेशा स्लो और मीडियम पे ही चढ़ाएं, जब भी चढ़ाएं बर्तन को तेज पे नहीं चढ़ाते हैं। अब मैं इधर चढ़ाई हूँ फ्राई पैन, इसमें मैं मसाले तैयार करूँगी। इसके लिए आप सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी जीरा, जीरा को लाल कर रही हूँ, थोड़े से इसमें से खुशबू आने लगेंगी। तो जीरा हो चुके हैं, देखिए इसमें मैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाली हूँ, ऑयल फ्री सब्जी मैं तैयार कर रही हूँ, और हेल्दी और पौष्टिक सब्जियाँ तैयार होगी। ऐसे सब्जियाँ तैयार करते हैं तो 50 ग्राम 100 ग्राम तो तेल लोग डाल ही देते हैं। ये देखिए, जीरे में से खुशबू आने लगी है। मैं तेज पत्ता डाल रही हूँ और मिर्च डाल रही हूँ। मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। और इसमें मैं एक चम्मच पानी डालूंगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं डालूंगी, इसलिए अब इसमें मैं डालूंगी ये टमाटर और प्याज का पेस्ट। मैं इसे 3 से 4 मिनट पकाऊंगी। अभी देखिए, अभी बीच बीच में चलाते रहिए, अभी हुए नहीं है, 15 मिनट में ये पक जाते हैं। बीच में मसाले को चलाते रहिए ताकि आपको नीचे से पकड़ेगा नहीं। जो ये एम्बे क्वीन में ये खासियत है कि आपको जितने सब्जियों के तेल होते हैं सारे इसी के अंदर ही रहते हैं, इससे सब्जियां पकती है, ये खासियत है। और इसमें न्यूट्रिएंट्स और हेल्दी सब्जियां तैयार होती है और पौष्टिक से भरपूर होती है, जो आपको स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, इसमें मैं मसाला ऐड करूंगी। मैं इसमें धनिया एक चम्मच डालूंगी, मिर्ची डालूंगी आधा चम्मच, तीखा अपने स्वाद अनुसार रखिए, और
हल्दी डालूंगी 1/4 स्पून, मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, नमक स्वाद अनुसार, कम खाते हैं कुछ ज़्यादा खाते हैं। अब इसे मैं 2-3 मिनट और पकाऊंगी। मैं देख रही हूँ कि मटर पक चुके हैं और 5 मिनट में पकाऊंगी, ये थोड़े बाकी हैं। इसे कहते हैं वीटालोक, जिसके अंदर जो सब्जियों का अपना इंग्रेडिएंट्स, जो इसकी अपने नेचुरल जो ग्रीन होते हैं, जो तेल होते हैं, सभी इसी के अंदर ही रहते हैं। इसी से सब्जियां हेल्दी और पौष्टिक बनते हैं। और एक खासियत यह है कि देखिए, एक तो तेल की बचत होती है, दूसरा आपको गैस की बचत होती है, और तीसरा आपको पैसे की भी बचत होती है। जब तेल कम यूज करेंगे, मान लीजिए हमारे घर में हम 3 किलो तेल आराम से यूज करते थे, 3 से 4 किलो, तो मगर अब जब से मैं एम्बे क्वीन खरीदी हूँ, तब से मैं मुश्किल से आधा चम्मच किसी किसी में सब्जियों में डालने की ज़रूरत पड़ती है, हर एक सब्जियों में ज़रूरत नहीं पड़ती है तेल डालने की। ये खासियत है, इससे पैसे की काफ़ी बचत होती है, गैस की भी बचत होती है, गैस भी सिम और मीडियम पे ही बनाते हैं, और हेल्दी खाना तैयार होता है। ये देखिए, मैं चलाती रही, अब देखिए ये हो चुका है, इसमें से खुशबू आने लगी है सब्जियों का, मसाले की। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला 1/2 टीस्पून, मैं इसमें क्रीम डालूंगी, ये देखिए, अब क्रीम को इतना मिक्स करेंगे जैसे मसाले में मिक्स हो जाए, चलाऊंगी इतना। अब इसमें मैं पनीर डालूंगी, अब 1 से 2 मिनट पकाऊंगी, ये तैयार हो जाएंगे। और इधर मेरा ये भी तैयार होने वाले हैं, ये देखिए सब्जियां भी पक चुकी हैं, देखिए हो चुके हैं। अब ये मसाले को मैं ऐड करूंगी सब्जियों में, गैस में बंद कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल भी बर्तन में नहीं चिपके हैं, मैंने कोई भी तेल नहीं डाली हूँ, और ना बर्तन हमारा जला है। अब देखिए अब इसको अगर सूखा खाना है तो वैसे ही आप रख सकते, मगर थोड़ा मैं इसमें ग्रेवी रखूँगी, इसके लिए मैं 5 मिनट और पकाऊंगी, पानी डालूंगी, पानी बस थोड़ा सा डालूंगी, बस हो गए हैं, ये देखिए तैयार, क्योंकि तरी रखना है मुझे, कुछ लोग सूखा भी रखते हैं मगर मुझे तरी रखना है, इसलिए मैंने पानी ऐड की हूँ। आप पनीर डालना है तो मत डालिए पानी, वैसे ही 5 मिनट पका के आप उतार सकते हैं, मगर मैं इसे 5 से 7 मिनट भी पकाऊंगी फिर उतार दूंगी। ये बंद कर रही हूँ, ये देखिए लीड हिल रहे हैं, यानी तैयार हो चुका है हमारा वेजिटेबल, ये देखिए मिक्स वेजिटेबल, और खुशबू भी अच्छी आ रही है, स्वाद भी अच्छे बिना ऑयल का। अब मैं इसे सर्व करूंगी, मैं गैस बंद कर रही हूँ और मैं इसे सर्व कर रही हूँ। कभी भी एम्बे क्वीन को आप गरम गरम मत धोइए, इसे ठंडा करके ही धोते हैं।
हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।